तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे सूजी और मटर का झटपट से बनने वाला नाश्ता। और इस नाश्ते को हम बनाएंगे सिर्फ 2 बूंद तेल में। तो बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नास खान किचन में आपका स्वागत है एक और नई रेसिपी के साथ। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, इस टेस्टी मज़ेदार सूजी और मटर का नाश्ता बनाने के लिए एक ब्लेंडिंग जार लेंगे हम, और इसमें डालेंगे 1/2 कप सूजी और 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे दही। तो जो घर के छोटे चम्मच होते हैं ना, बस उसी से आपको दही लेना है, और दही हमने गाढ़ा वाला लिया है। और 2 ही चम्मच हम इसमें डालेंगे ऑयल, और ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो हमें इसमें अब और कुछ ऐड नहीं करना है, बस इतनी ही चीज़ें हमें इसमें डाल लेनी है। तो हमने 1/2 कप सूजी ली थी, तो 1/2 ही कप हम इसमें पानी डालेंगे। तो एक बार हम इसे चम्मच से मिक्स कर लेंगे। अगर इसमें हमें पानी की और भी ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें और भी पानी डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, और ग्राइंड कर लेने के बाद इस बाउल में हमें इस प्यूरे को निकाल लेना है। देखिए कितनी फाइन प्यूरी बनकर तैयार हुई है, थोड़ा सा पानी डालकर भी निकाल लेंगे। और इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हमें इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा पतली नहीं रखनी है। अच्छी तरह से देखिए मिक्स कर लेंगे, और देखिए बस इस तरह की कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए इसकी। तो 10 मिनट के लिए इसी तरह से रख कर छोड़ देंगे, फिर 10 मिनट बाद चेक करेंगे। तो देखिए 10 मिनट में थोड़ा सा आपको ये गाढ़ा सा दिख रहा होगा, क्योंकि इसको हमने 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ा था ना, तो थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा हमने ज़ीरा डाला है टेस्ट के लिए, और 1/4 टीस्पून हमने इसमें डाला है बेकिंग सोडा। अब दोनों ही चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो नाश्ता है ना, बहुत ही फूला फूला, बहुत ही सॉफ्ट जालीदार बनेगा। तो फ्रेंड्स, सूजी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर ली है और ये बिल्कुल रेडी है। अब इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। तो देखिए थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं, और बॉईल हमने मटर लिए हैं। टमाटर का बीज हमने निकाल दिया है, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, और थोड़ा ही हमने यहाँ ब्राउन वाले तिल लिए हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस स्टफिंग को पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मटर हमने बॉईल लिए हैं, और जो टमाटर लिए हैं वो ज़रा में सॉफ्ट हो जाते हैं जब हम नाश्ता बनाएंगे, तो ये अच्छे से पक जाएंगे। तो बस इसलिए हमें इसी तरह से ले लेना है सारी चीज़ों को। और यहाँ आप देख सकते हैं सूजी थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है, कितनी फूली फूली सी नज़र आ रही है। तो चलिए अब नाश्ता बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने इस तरह का पैन लिया है, क्योंकि एक ही बार में 4 नाश्ते बन जाएंगे, और बस थोड़ा सा ही ऑयल से ग्रीस कर लेना है इसे। तो अच्छे से ग्रीस कर लेने के बाद हमें इसमें जो बैटर बनाकर रखा है सूजी का, वो डालना है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ हम बैटर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाएंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ज़्यादा हमें फिल नहीं करना है, बस थोड़ा ही थोड़ा डालना है। और इस टाइम पे आपको गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है। तो देखिए हमने डाल दिया है चारों तरफ, तो अब क्या करना है, इसे हम सिर्फ 2 मिनट स्लो फ्लेम पे ऐसे ही छोड़ेंगे, क्योंकि जब ये ऊपर से दिखाई देने लगेगा ना, देखिए इस तरह का दिखाई देने लगेगा, तब हमें इसमें स्टफिंग जो हमने बनाई है वो रखनी है। देखिए इस तरह से रखेंगे, अगर हम पहले से डाल देंगे स्टफिंग तो क्या होगा, वो पूरी अंदर जाकर बैठ जाएगी, इसलिए हमें थोड़ा सा 2 मिनट बाद ही इसमें डालना है, ताकि ऊपर से ये अच्छी दिखाई देगी। तो देखिए आप कितनी अच्छे से स्टफिंग सेट हो गई है, और कितनी अच्छी लग रही है, और ये नाश्ता चिपकता बिल्कुल भी नहीं है, देखिए कितनी आसानी से निकल जाता है। और ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल हमें ब्रश से लगा लेना है, जिससे कि जब हम फ्लिप करके दूसरे साइड से भी पकाएंगे ना, तो ये चिपकेगा नहीं। तो देखिए कितनी आसानी से निकल रहा है, बस ऑयल इस तरह से डालते हुए हमें इसे इस तरह से फ्लिप करना है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और कितने अच्छे से ये नाश्ता बना है। अब इसे भी फ्लिप कर देना है, और चारों ही हमारे नाश्ते हमें इसी तरह से फ्लिप कर देने हैं। कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है, और कितना फूला फूला बना है। ये नाश्ता देखने में ही इतना अच्छा लगेगा कि आपके घर में सभी को ये पसंद आएगा, और बच्चे तो इसको बहुत ही शौक से खाएंगे। अगर आप इस नाश्ते को बच्चों के लंच बॉक्स में भी देंगे ना,
टोमेटो केचप के साथ, तो बच्चे बहुत ही शौक से इसे खाना पसंद करेंगे। तो देखिए दूसरे साइड से भी सिर्फ 2 मिनट तक पकाया है हमने, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करा है, अब इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये नाश्ता झटपट से बन जाता है, बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ये देखिए चारों ही नाश्ते बनकर एक ही बार में तैयार हो गए हैं। अब सेकंड बेज भी इसी तरह से हम बनाकर दिखाएंगे आपको, बस थोड़ा ही ऑयल हमें ग्रीस करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल में ये नाश्ता नहीं बनता है। और चारों नाश्ते इसी तरह से हम एक ही बार में आपको बनाकर दिखा देंगे। और देखिए बस इस टाइम पर हमें स्टफिंग को डाल देना है, सिर्फ 2 मिनट के बाद ही हल्का सा ऑयल लगाएंगे ऊपर से, और ऑयल लगा लेने के बाद हमें इसे फ्लिप कर देना है। तो देखिए कितनी आसानी से ये फ्लिप हो गया, बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। और इस नाश्ते को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत ही आसानी से आप इस मज़ेदार से नाश्ते को बना सकते हैं। और देखिए कितना फूला फूला बनकर तैयार हुआ है कि आसानी से निकल भी रहा है, फ्लिप भी हो रहा है और बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो देखिए ये भी बनकर तैयार है, तो हम इसे भी निकाल लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का पैन नहीं है तो कोई भी नॉनस्टिक पैन में भी आप इस मज़ेदार से नाश्ते को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो फ्रेंड्स एकदम नई रेसिपी है, आपने इसे अभी तक के ट्राई नहीं करा होगा, अगर इसे ट्राई नहीं करा है तो आप इसे फौरन ट्राई करिए, उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी हेल्दी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है। और मटर का तो सीज़न चल ही रहा है, तो हम हर तरह तरह के मटर के नाश्ते बनाकर खाते ही हैं। अब आप एक बार इस मज़ेदार से नाश्ते को ज़रूर ट्राई करिए, आपको ये नाश्ता बहुत ही पसंद आने वाला है। तो यहाँ मैं आपको इसे चेक कर भी दिखाऊंगी, देखिए कितना जालीदार, कितना सॉफ्ट, कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। और अंदर से देखिए कितनी अच्छी तरह से ये कुक हुआ है, तो ये कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहता है, बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होता है। तो देखिए मैंने आपको अच्छी तरह से तोड़कर दिखा दिया है, ये नाश्ता कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है, कितना जालीदार बना है। आप इस नाश्ते को टोमेटो केचप के साथ एंजॉय करेंगे ना, तो ये बहुत ही मज़े का लगेगा, आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिए, उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके घर अचानक से मेहमान भी आ जाते हैं ना, तो आप उन्हें भी ये नाश्ता बनाकर देंगे तो उन्हें भी ये बहुत ही पसंद आएगा और एकदम नया भी लगेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी इस टेस्टी मज़ेदार से सूजी और मटर के नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी।